अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनएमडीकेट 2021 बहुत सारे बच्चों के लिए मसाइल बना हुआ है। जहां कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाएं, वहीं पर कुछ लोग इससे महरूम भी रह जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस। हमने इस साल आपके लिए एक सीरीज ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट बनाई है, जो टेस्ट आप हमारी वेबसाइट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उन्हें अटेम्प्ट करने के बाद इसकी डिस्कशन आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड की जाए, और इन टेस्टों की डिस्कशन हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकेंगे, फेसबुक पेजेस पर देख सकेंगे। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाइए। आइए चलते हैं, सबसे पहले पहली डिस्कशन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज करेंगे बेटा हम हमारे नेशनल एमडीकेट के सिलेबस में इस साल कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हर टॉपिक की एक्सरसाइज पर बात करेंगे। आज सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एक्सरसाइज में। जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा, स्टेटमेंट पहले आपके सामने आ रही है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम। जब भी वो आपको नंबर ऑफ मोल्स देगा और आपसे पूछे उसमें कितने एटम पाए जाते हैं, तो एक तरीका करने का, सबसे पहले हम इस पर बेटा स्टैंडर्डाइजेशन लगाएंगे। जो क्वांटिटी है वन मोल में वो कितनी बनती है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। देन इफ नीडेड यूनिटी मेथड लगाएंगे। तो स्टेटमेंट के मुताबिक उसने मुझे बताया कि वन मोल ऑफ सोडियम में कितने होने चाहिए, वन मोल ऑफ सोडियम शुड कैरी बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, 6.022 × 10⁻²³। लेकिन मुझे जो गिवन क्वांटिटी है दैट इज 0.5, बेटा 0.5 में निकालने के लिए सिंपली मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 0.5 के साथ। यहां मैं नेशनल एमडीकैट के स्टूडेंट्स को यह ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो आप 0.5 यूज ना करें, बल्कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते, और 1/2 से करेंगे तो बेटा एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करने पर 3.01 × 10⁻²³ आंसर आएगा, व्हिच इज मेंशन्ड इन चॉइस डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। जब मैं बात करता हूं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर की, तो बेटा 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और वाटर के केस में दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, बिकॉज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, सो नियरली इन एप्रोक्सीमेशन है। और अगर नियरली इन अप्रोक्सीमेशन, तो 1 dm क्यूब से मुराद क्या हुआ बेटा, 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम। और अगर ये 1000 ग्राम वाटर है तो सबसे पहले क्या करूंगा, गिवन मास को मोलर मास पर डिवाइड करूंगा और नंबर ऑफ मोल्स बनाऊंगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स बने हैं इसके 55.5। अब आप मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं कि 1 dm क्यूब में कितने होंगे, वी कैन कन्वीनियंटली कैलकुलेट this by multiplying 55.5 with Avogadro's number, we'll get number of moles into Avogadro's number. So देख लीजिए, जितने मोल वाटर के गिवन है उतने ही हर मोल में Avogadro's number of molecules हैं, so the total number would be 55.5 × 6.022 × 10⁻²³। So my choice is Charlie. What is the mass of one mole of iodine solid? बेटा जब आयोडीन सॉलिड की बात की जा रही है, तो सिंपली इट मींस I2, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो इट शुड बी आयोडीन सॉलिड। हमें क्या करना है, एक आयोडीन का मोलर मास बताइए, एक आयोडीन का एटॉमिक मास बताइए, दैट इज 126.9, मैं अप्रोक्सीमेटली 127 कह सकता हूं, और I2 में दो एटम है तो इट शुड बी बेटा 254 grams, which is mentioned in choice delta. Question number 4. A ring is made up of 3 grams of diamond. Diamond is pure carbon. How many carbon atoms are present in the ring? Beta, simple si baat hai, usne mass in gram diya hai. Pehle standardize karenge ki jab mere paas pure carbon ki baat kare, to 12 grams of carbon atom would be carrying how many molecule, how many atoms in it? 6.022 × 10⁻²³. अब मुझे बताइए कि 1 ग्राम में कितने होंगे, यूनिटी मेथड 6.022 × 10⁻²³ / 12, और मुझे क्वांटिटी दी गई है 3 ग्राम, सो
इसमें आएगा 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 एंड 12 को बेटा 3 4s आर 12 और बेटा Na by 4 इज योर आंसर एंड Na by 4 is written in the choice Charlie 1.003 into 10^23. All right. Question number 5. 0.5 moles of sulfuric acid contains X moles of oxygen atom. X may be. तो इतनी सी बात है. बेटा अगर 1 molar H2SO4 की बात की जाए तो आप जानते हैं इसमें ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी है 4. तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 हैज कितने हैं बेटा इसमें. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट इट कैरीज 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 1/2 मोल है. पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1/2.5 को रिप्लेस करके हमने लगाया है. इट शुड बी 4 डिवाइडेड बाय बेटा 2. आंसर इज 2 मोल्स व्हिच इज मेंशनड इन चॉइस डेटा. ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 6. 1 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स बताने. मुझे कैसे पता लगा नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं. तो जरा गौर से सवाल को देखिए. तमाम ऑप्शंस में नंबर ऑफ एटम्स हैं. अब हमें सीएम क्यूब में डायरेक्टली नहीं पता लेकिन हमें पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर गिवन हो तो पहले इसे सीएम क्यूब में कन्वर्ट कीजिए. तो बेटा आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 22414 सीएम क्यूब बनेंगे. नाउ जो मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है स्टैंडर्डाइजेशन में वो 22.414 सीएम क्यूब है. तो मैं कह सकता हूं 22414 सीएम क्यूब है. 22414 सीएम क्यूब हाइड्रोजन गैस को कैरी कर रहे होते हैं बेटा. आप कहते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसमें. Na into 2. क्यों बेटा हाइड्रोजन एटम्स की बात कीजिए. H2 के मॉलिक्यूल्स तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हैं लेकिन क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो जाहिर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज Na into 2. सो बेटा इसके बाद हम ये देखेंगे कि मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक. तो दैट शुड बी Na into 2 डिवाइडेड बाय 22414 और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो Na बाय 11207 आया मेरे पास और इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे द आंसर वुड बी 5.3 × 10^19 एटम्स. ये क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास. तो बेटा 20 ग्राम ऑफ फास्फोरस क्योंकि इसका मोलर मास ऑप्शन ए में गिवन है. इसका मोलर मास लेस है यानी इन जनरल बात की जाए तो 30.1 यानी इसका एटॉमिक मास 30 है और 20 ग्राम से 1 मोल से भी कम है. ऑप्शन बी को देखिए 5 मोल्स ऑफ वाटर है तो मास कितना होगा बेटा 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इन ग्राम आ जाएगा बेटा 12.0 × 10^24 एटम्स हैं तो 1 मोल बना हाइड्रोजन एटम का लेकिन डेल्टा चॉइस में जो आपको दिया गया है वो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या है बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए Na2CO3 मोलर मास क्या आता है इसका 105.9. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए विद 2 मोल. सो द हाईएस्ट वैल्यू यू आर अचीविंग इज फॉर सोडियम कार्बोनेट सो दैट इज योर चॉइस. ओके जी क्वेश्चन नंबर 8. व्हिच हैज मैक्सिमम मास इन ग्राम. ऐसे तमाम सवालों के लिए हम क्या करते हैं जो स्पीशी है उसके मोलर मास को कैलकुलेट किया जाता है या अमाउंट इन ग्राम कैलकुलेट की जाती है. कैसे मसलन ऑप्शन ए में कह रहा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो जाहिर है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 लिखा हुआ है. N2 की वैल्यू है 28 एक मॉलिक्यूल की और हम कह सकते हैं 2 मोल्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यू गेट 56. सिमिलरली आपको बताया जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर कि इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ओजोन तो बेटा 48 × 1 ओजोन के लिए निकलेगा O3 के लिए. ये N2 के लिए है सो इट शुड बी 48. ऑप्शन सी को देखिएगा इट इज O2 के 2
टू मोल्स है, सो ओ टू 32 मोलर मास रखेगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से, द आंसर वुड बी, टोटल आंसर वुड बी 64। और अब देखिएगा मेरे पास 44, ये ओ टू के लिए था, सीओ टू के केस में 44 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 44 इंटू टू मोल्स हैं, सो आंसर हो गया 88। सो द बेस्ट चॉइस इज डेल्टा, दिस इज सीओ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 जी, स्टेटमेंट ये है, व्हाट आर द नंबर ऑफ आयंस दैट इज कैल्शियम आयंस इन 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो दैट वुड गो इनटू कैल्शियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस। नाउ व्हाट वी विल डू बेटा, सबसे पहले इसके 100 ग्राम्स दिए गए हैं, 100 ग्राम गिवन मास ओवर मोलर मास, पहले मोल बनाइए, तो अगर इसका एक मोल है तो कैल्शियम आयन का भी एक मोल बनेगा और वन मोल ऑलवेज कैरी 6.022 इंटू 10^23 आयन्स इन इट, सो द चॉइस इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर टेन बता रहा है विच हैज मास इक्वल टू वन मोल ऑफ वाटर। तो बेटा याद रखे, चाहे आप वाटर ले रहे हैं चाहे आप स्टीम ले रहे हैं, इन बोथ द केसेस द मास रिमेन्स द सेम, स्टेट का फर्क है लेकिन फॉर्मूला H2O ही है, लिहाजा मास 18 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन 0.01 किलोग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डीकंपोज्ड CO2 प्रोड्यूस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 0.01 बेटा किलोग्राम्स है, किलोग्राम से पहले आप इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, तो मेरे पास आए 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर गिवन। सो स्टेटमेंट ये है कि 10 ग्राम्स है, तो जरा इक्वेशन लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट गोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखिए मेरे पास जो क्वांटिटी आई है वो है 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और 10 अगर मास गिवन है तो इसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन में हम ये निकाल चुके मोलर मास, सो मेरे पास 0.1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, तो ये 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मुझे बताइए 1 मोल ऑफ CO2 हमेशा ऑक्यूपाई करता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो मेरा क्वेश्चन भी ये है कि बताइए 1 मोल में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इट शुड बी 22.414, और अगर 0.1 मोल है तो क्या करूंगा 22.414 इनटू 0.1, डेसिमल निकालिए 10 आ गया, जाहिर है कि अगर ये 10 है तो दिस शुड बी 2.24 डेसीमीटर क्यूब्स एंड द चॉइस इज अल्फा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, equal volume of carbon dioxide and nitrogen are taken in identical conditions, the correct relationship between the masses is, तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इनके फॉर्मूले देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 दोनों का मोलर मास सेम है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मोलर मासेस सेम होते हैं इन्हें बोला जाता है आइसोस्टर्स, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोस्टर्स, चॉइस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को देखिएगा, 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ आयंस। तो सबसे पहले ये देखिए, हम ऐसे क्वेश्चंस में पहले स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएंगे, और स्टैंडर्डाइज किया जाता है बेटा इनके 1 मोल के लिए, 1 मोल अगर मेरे पास गिवन है किसका बेटा, H3PO4 का, तो H3PO4 कितने आयन बना सकता है, 3H+ आयन PO4 -3, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बनाता है 4। वन मोल ऑफ H3PO4 कैरीज नंबर ऑफ आयंस बेटा 4 कैरी करेगा, इतनी सी बात है, नंबर ऑफ आयन 4 इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये एवोगाड्रोस नंबर है 1 मोल के लिए, और इसमें 3 हाइड्रोजन है और 1 फास्फेट आयन है, H+ आयंस है, प्रोटॉन्स है और फास्फेट आयन। अब जरा देखिए 1 मोल में इतना है, 1 मोल का मोलर मास कितना है, आप कहते हैं सर 98 ग्राम्स होता है इसका मोलर मास, तो 98 ग्राम्स यानी 1 मोल में Na इनटू 4 आयंस है, 1 ग्राम में कितने होंगे, Na
इंटू फोर बाय 98, और जो मुझे क्वांटिटी दी गई है हमने कैलकुलेट की, दैट इज 10 ग्राम, स्टेटमेंट में गिवन है, तो 10 ग्राम से कितने होने चाहिए, Na इंटू फोर बाय 98 इंटू 10, 40 बाय 98 हो गया। सो आप डिवाइड करेंगे, द आंसर वुड बी 2.46 इंटू 10 रेस पावर 23। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन ये है, अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर इग्नाइटेड, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो सबसे पहले आप स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, H2 प्लस O2 मेक्स वाटर। जरा देखिए, अब वो आपको बता रहा है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और मुझे आप बता रहे हैं कि इसके 8 ग्राम है, 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर गिवन। क्या करूंगा, गिवन मास ओवर मोलर मास से डिवाइड कीजिए और पहले बनाइए नंबर ऑफ मोल्स। जाहिर है इट इज कमिंग आउट टू बी 4 मोल्स इन दिस केस एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/4 मोल्स। अब आप सब जानते हैं 4 मोल के साथ इसके 2 मोल रिक्वायर्ड थे, लेकिन कितना निकला, 1/4। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक बनेगा। और इसकी क्या प्रोपोर्शन है, 1 मोल के साथ 2 बनते हैं तो इसकी क्वांटिटी में इस तरफ डबल होना है। तो बेटा मुझे बताइए 1/4 मोल कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा, बेटा 1/4 का डबल होकर 1/2 मोल के साथ। तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा 1/4 1 मोल से 2 मोल वाटर को बना रहा था, तो 1/4 से 1/2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, और वाटर का मोलर मास क्या है, 18, तो 1/2 इंटू 18 आंसर इज 9 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय। तो बेटा एफिशिएंसी इज ऑलवेज चेक बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दोज रिएक्टेंट्स व्हिच आर स्टोइकोमेट्रिकली लेस इन क्वांटिटी consumed earlier in a chemical reaction and they determine the rate of a chemical reaction are said to be limiting reactant. तो ये एक simple definition था। आगे चलिएगा। Question number 17. In most of the reactions, actual yield is less than that of theoretical yield. तो इसके बहुत सारे reason हो सकते हैं, but beta यहाँ पर correct reason है loss of product during the handling, और इसे कहा जाता है mechanical loss या experimental error. इसके अलावा साइड रिएक्शंस, बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेजर रीजन इंप्योरिटी ऑफ कोर्स, बट इनमें से बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज बीटा। 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ मेथनॉल, बेटा दोनों गिवन है, बताइए क्या चीज कॉमन है क्वेश्चन नंबर 18 के मुताबिक। तो आप कहेंगे हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, बिकॉज 1 मोल शुड कैरी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ molecules for a species. So the choice for question number 18 is beta. A limiting reactant is the one. Question number 19. A limiting reactant is the one which gives minimum amount. Jaisa is example mein aapne dekha, it was governing how much product is formed. Question number 20. 9.8 grams of sulfuric acid are given. Beta, sabse pehle aap equation likhenge, H2SO4 goes into 2H plus and SO4 minus 2. वो हमें बता रहा है कि मेरे पास 9.8 ग्राम्स है, तो पहले क्या बनाएंगे, पहले मोल बनाइए ग्राम से, और मोल बनाने के लिए 98 मोलर मास है, तो ये आ गए 0.1 मोल, तो हाइड्रोजन आयंस विल बी 2 इंटू 0.1, आंसर इज 0.2 फॉर क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इज choice beta. 21. 1 mole of ethanol contains number of oxygen atom. 1 mole mein number of molecules. Agar Avogadro's number hai, to ethanol ka 21 ke liye bataiye kya hona chahiye? Formula hai C2H5OH. Agar molecule itne hai, to har molecule mein ek oxygen atom hai, to oxygen atoms ki tadad bhi Avogadro's number ke barabar aayegi. Chaliye. Next is 22. A beaker contains 9 grams of water. The number of hydrogen atom is. बड़ी आसान सी बात है बेटा, सबसे पहले बताइए 18 grams of water ने, I'm solving question number 22. अगर 18 ग्राम होते of H2O, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें number of hydrogen atom कितने, पहले निकाले number of molecule, which is Avogadro's number.
और अगर मैं ये बात करूं वो मॉलिक्यूल्स की, तो बेटा 18 ग्राम में वाटर के मॉलिक्यूल एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हैं, और 18 ग्राम में फिर हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होंगे बेटा? जितने मॉलिक्यूल हैं हर एक में दो हाइड्रोजन एटम है, एन इंटू टू के बराबर। एक ग्राम में हाइड्रोजन एटम इन वाटर के कितने होंगे? एन ए इंटू टू बाय 18। और मेरे पास जो क्वांटिटी गिवन है दैट इज 9 ग्राम्स गिवन, सो 9 ग्राम में एन ए इंटू टू बाय 18 इंटू 9, तो बेटा 9 टू आर 18, 2 टू से कैंसिल हुआ, द आंसर इज एवोगाड्रोस नंबर एंड दैट इज मेंशन इन चॉइस अल्फा फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Question number 23, molecular formula is always equal to n into empirical formula. It's a simple multiple. चलिए आगे बढ़ेंगे। Question number 24, which of the following salts will have greater positive charge in its one molar aqueous solution? So option A में आपको calcium hydroxide given है, option B में आपको potassium hydroxide given है, option C में ammonium hydroxide given है, और option D में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। आप खुद मुझे बताइए, जब सबका वन मोल लेंगे तो ये वाटर में वन मोल ही बनाएगा कैल्शियम आयन का, ये वन मोल पोटेशियम आयन का बनाएगा, ये वन मोल अमोनियम आयन का बनाएगा, और ये वन मोल सोडियम आयन का बनाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस डबल होंगे ड्यू टू बायवेलेंसी ऑफ कैल्शियम, सो द चॉइस इज अल्फा फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Question number 25. Which of the following statement is incorrect? The formula of the compound is never definite. No, the formula is always a fixed finite value of ratio of atoms. Let's talk about question number 26. Which one of the following step is not involved in determination of empirical formula? To beta chaabi choice ko padhiyega. Determination of isotopes of each element. Empirical formula determination ka isotopy se koi taluk nahi hai. Next. Question number 27. In determination of atomic ratio of elements, the empirical formula, for the empirical formula, the number of gram atoms of an element are divided by, तो जो given values होती हैं, उनमें जिसकी least value होती है, उससे divide करते हैं to figure out the mole ratio. Next is a numerical type problem, which is question number 28. A compound having empirical formula, आपको empirical formula देगा. C3H3O और साथ उसने आपको दिए है मोलर मास 110, तो मैं इसे लिख सकता हूं ये 110 है, मोलर मास तो आपको हमेशा देगा, एटॉमिक मैसेज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बेटा ये देखिए 12 3s are 36 प्लस 3 प्लस 16 110 के बराबर। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये 55 है जो 110 के बराबर है, और बेटा 110 ओवर 55 क्या आंसर आया? 2। मल्टीप्लाई होल ऑफ दिस बाय 2 C3H3O और n की वैल्यू 2 निकली है, दिस वैल्यू इज 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा C6H6O2 व्हिच इज मेंशन इन चॉइस बीटा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28। 2.38 grams of uranium contains number of atoms. Again, standardization का सवाल है. सबसे पहले एक मोल में देखिएगा 238 grams जब यूरेनियम के होते हैं तो वो नंबर ऑफ एटम्स कितने कैरी करता है? That is 6.022 into 10 raised to power 23. अगर आपके जहन में है 238 क्यों लिखा, तो ये एटॉमिक मास है यूरेनियम का. So हम कह सकते हैं एक ग्राम में 6.022 इंटू 10 रेस पर 23 हुआ करेंगे, और 2.38 ग्राम्स में कितने होंगे? मैं आपको कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना सिखाना चाहता हूं, जरा देखिएगा 10 रेस पर 23, ऑफ कोर्स ऊपर वाले में डिवाइडेड बाय 238 था, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 238 इंटू 2.38, डेसिमल निकालिए 1/100 आ गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1/100 ऊपर जाके क्या बनेगा? 6.022 इंटू 10 रेस पर 23 इंटू 10 रेस पर माइनस 2, क्योंकि 1/100 है, सो द आंसर शुड बी 6.022 इंटू 10 रेस पर 21 एंड दैट इज मेंशन इन चॉइस बीटा। क्वेश्चन नंबर 30,
What is the volume in cubic centimeter for 3.01? 3.01 क्या है? Half mole है बेटा, half mole है of O2 at STP. तो आप जानते हैं कि 1 mole of any substance will occupy a volume of 22.414 decimeter cube. लेकिन मेरे पास problem ये है कि सारे आंसर cm cube में हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 22414 cm cube. और आप सबने एक लॉ पढ़ा, वॉल्यूम डायरेक्टली पोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. अगर मैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाऊं तो वो 1/2 मोल्स है, तो इनको 2 पे डिवाइड कर दीजिए. 1/2 मोल्स का मतलब क्या हुआ? 1/2 मोल्स विल हैव बेटा 11.2 और 11207 सेंटीमीटर क्यूब, व्हिच इज मेंशन्ड इन चॉइस 4. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा. द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 4.5 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो पहले ये बताइए, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर यानी 1 मोल में सबसे पहले हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर. 18 ग्राम में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन मेरा सवाल कोवेलेंट बॉन्ड का है, तो पहले 1 मोल यानी 18 ग्राम में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स निकालिए. तो एवोगाड्रोस नंबर इनटू 2. क्यों? क्योंकि हर वाटर के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं, तो जितने आपके पास मॉलिक्यूल है उनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकले. 1 ग्राम में कितना होगा? Na इनटू 2 बाय 18, और जो मुझे दिए गए हैं वो 4.5 है. तो Na इनटू 2 बाय 18 इनटू 4.5. 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na इनटू 9 बन जाएगा बाय 18, एंड 9 2s आर 18. Na बाय 2 इज माय आंसर, एंड दैट इज मेंशन्ड इन चॉइस डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. इट्स ऑल अबाउट स्टोइकोमेट्री. व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? What is the mass of water formed when 4 grams of hydrogen and 64? तो पहले लिखिए equation, H2 plus O2 making water. इसके दो मोल, इसके दो मोल और इसका एक मोल required है. अब अपनी quantities को देखिए, 4 grams of hydrogen and 64 grams of oxygen. तो पहले given mass को molar mass पर divide कर दीजिए. आपके पास answer आया बेटा 2 moles और ये भी 2 moles. दो मोल के साथ ये दो मोल है. स्टोइकोमेट्री के मुताबिक इसके दो मोल के साथ इसका एक मोल होना चाहिए. तो ऑक्सीजन एक्सेस में है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट हमेशा इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस टू लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप कहेंगे सर इसका मतलब है 2 मोल्स के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, और अगर 2 मोल है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आंसर इज 36 ग्राम्स, व्हिच इज मेंशन इन चॉइस Charlie. Question number 33. 0.5 moles of CH4 and 0.5 moles of SO2. बेटा यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम आंसर क्यों नहीं लगाया. बेटा वॉल्यूम आंसर इसलिए नहीं लगाया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ वे बेटर चॉइस. अगर यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना गिवन होता तो वॉल्यूम ठीक था, या उस सूरत में ठीक था अगर एट एसटीपी लिखता, क्योंकि स्टेटमेंट में एसटीपी नहीं है, इसलिए बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज चॉइस डेल्टा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 34 अगेन अ न्यूमेरिकल टाइप. बेटा मैं बार बार आपको ये बताता रहा कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड, सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप है. वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इज, तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज कीजिए. हम कहते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब्स ऑफ एन एनी गैस, चाहे नाइट्रोजन हो बेटा, एट एसटीपी जो कैरी करती है 1 मोल है. इसी स्टेटमेंट को लीजिए. सो देखिए नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है 1 मोल के लिए? 28 ग्राम्स ऑफ N2 ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को. 1 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 डिवाइडेड बाय 28, और मेरे पास है बेटा 2.8 ग्राम्स. तो आइए 22.414 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 2.8,
यहां से डेसिमल निकालिए, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा आंसर इज 2.24 डेसिमीटर क्यूब व्हिच इज मेंशन इन चॉइस अल्फा. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 35. द स्टेटमेंट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला जनरली रिप्रेजेंट्स. बेटा याद रखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलेक्युलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल स्पीशीज. वाटर का मोलेक्युलर फॉर्मूला H2O है, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला रेफर्स टू अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स. कार्बोहाइड्रेट्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो याद रखिए मोलेक्युलर फॉर्मूला एक्चुअल स्पीशी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास है. क्वेश्चन नंबर 36. मोल में इंक्लूड, डेफिनेशन है मोल की, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोल. क्वेश्चन नंबर 37. द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द शुगर इज, ये काफी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11. इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH2O नहीं बनता, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला शुगर का आंसर बीटा है CH2O. कैसे? शुगर डज नॉट मीन सुक्रोज ओनली, इट स्टैंड्स फॉर द क्लास ऑलिगोसैकेराइड्स. इस वजह से ये CH2O फॉर्मूला लगता है, बिकॉज इट रेफर्स टू क्लास ऑलिगोसैकेराइड्स. लेट मी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38. Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to power 23. ये अभी तक नहीं आया, सारे numericals इस पे किए हैं, तो सिर्फ value पूछा है Avogadro's number का, which is mentioned in choice beta. और इसका logic क्या है? बाकी सारी values negative हैं, एक value positive है, और ये number of molecules हैं, ये कभी negative नहीं हो सकते, या ये होंगे या नहीं होंगे, so the choice is beta. 39. Any substance having chemically identical atoms is said to be an element, beta. ये definition है. And 1/12 of the mass of the carbon 12 is called as, question number 40, the last one, that is AMU, standing for atomic mass unit. I hope aapne is discussion se kuch seekha hai. Main inshallah next units ki discussions lekar bhi aapke samne aa raha hu, but barai meharbani hamare channel ko subscribe kare, aur agar Star Institute ke bare mein aapko further kisi kisam ki koi information chahiye to diye gaye in numbers par raabta kare. The numbers are in front of you, इन नंबरों पर आप तक कीजिए, और जल्द से जल्द आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकली एज वेल एज ऑनलाइन फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड पर्टिकुलरली जो लोग इस साल एनएमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन अस एट एनी स्टेज ड्यूरिंग टेस्ट सेशंस, ड्यूरिंग क्लासेस, और वेन एवर यू वॉन्ट टू सीक हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर. थैंक यू वेरी मच. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको इसमें दिया गया कंटेंट आपके लिए फायदेमंद महसूस हुआ तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब लोगों का भला हो सके. इसी तरह की मजीद वीडियोस और मजीद नॉलेज बेस्ड डिस्कशंस के लिए काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रिकमेंड इट टू अदर्स. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन.